हेलो गाइस, आई एम एस के सिंह और मैं अपने चैनल इंग्लिश बाय एस के सिंह में आपके लिए मॉडल्स चैप्टर का पार्ट 5 लेके आया हूँ, जिसमें कि मैं आपको यूजेज ऑफ हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का यूज़ और उसके साथ यूज टू का यूजेज बताऊँगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपके एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और इन वीडियो जो मैं बनाता हूं इनको शेयर ज़रूर करें, और ताकि नेक्स्ट वीडियो की जब नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। तो आज मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा यूजेज ऑफ हैव टू। हैव टू का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट की अनिवार्यता और बाध्यता प्रकट करने के लिए। जब कोई काम हमारे लिए कंपलसरी और नेसेसरी हो जाता है तो हम किसका यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में हैव टू और हैज़ टू का। और अगर यदि हमारे सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ टू का यूज़ करेंगे, यदि हमारे सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव टू का यूज़ करेंगे। अगर हिंदी अर्थ निकालेंगे तो निकलेगा हमारा करना है या करना पड़ता है, करना है या करना पड़ता है। और यही काम यदि पास्ट में आ जाएंगे, पास्ट की अनिवार्यता और बाध्यता आ जाएगी तो अर्थ निकलेगा हमारा करना पड़ता था या करना था। यूज़ करेंगे हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और यही काम यदि फ्यूचर में आ जाएगा तो हम लोग यूज़ करेंगे इसको विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी करना पड़ेगा। इसमें भी है, देखने से ही पता चल रहा है कि कोई अनिवार्यता और बाध्यता वाली चीज़ है। अब आ जाते हैं नोट में क्या डाला है, ये अनिवार्यता और बाध्यता प्रकट करते हैं और ये मस्ट के सेंस को एक्सप्रेस करते हैं, क्योंकि मस्ट मैं आपको पढ़ा चुका हूँ तो आपको पता होगा मस्ट से हम कैसी एडवाइस देते थे, कंपलसरी एडवाइस देते थे, जो काम हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता था, पक्का, ज़रूरी, अनिवार्य। तो ऐसी एडवाइस के लिए हम लोग किसका करते थे यूज़, मस्ट का करते थे, फोर्सफुल एडवाइस देते थे हमारे लिए। तो ये उन्हीं सेंसों में यूज़ हो जाएगा और कभी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएं, क्योंकि दोनों ऑप्शन एक साथ आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं बिल्कुल बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे और दोनों से अर्थ निकल जाएगा। तो कभी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता है कि दो ऑप्शन एक साथ सही आ जाएँ, एक ही ऑप्शन आपका सही होगा। तो मैंने आपको इसलिए बताया है, कभी आपने हैव टू पढ़ा, कभी है मस्ट पढ़ा, तो आप हैव टू पढ़ गए तो मस्ट में वही अर्थ निकल रहा, मस्ट पढ़ गए तो हैड टू में अर्थ निकल रहा, तो आपको कन्फ्यूज़न हो सकती थी। तो इसीलिए जो मिलते जुलते अर्थ अगर मॉडल से अगर निकल रहे हैं तो मैं वहाँ पर उसका जिक्र ज़रूर करता हूँ, उस चीज़ को मेंशन ज़रूर करता हूँ, ताकि आपको वो चीज़ों का अंतर भी हल्का सा समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसके एग्जाम्पल को। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं, आई हैव टू लीव फॉर दिल्ली टुडे, मुझे दिल्ली के लिए आज निकलना है। तो यहाँ पे देखिए वो अपनी बाध्यता प्रकट कर रहा है कि मुझको मतलब ये मजबूरी है उसकी जाना, ऐसा लग रहा है कि उसकी क्या है, मजबूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं, आई डोंट हैव टू मीट हिम नाउ, आई डोंट हैव टू मीट, मुझे उससे क्या है, नहीं मिलना है, नहीं मिलना है, नाउ मैंने अब, यानी कि नहीं मिलना है, यानी कि यहाँ ये किसका सेंस दे रहा है, नीड नॉट, यानी उसको आवश्यकता नहीं है उससे मिलने की अब। थर्ड एग्जाम्पल में आते हैं, आई हैव नॉट टू मीट हिम नाउ, तो अब उसको नहीं मिलना है। इसी चीज़ को हम विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन नॉट हम कहाँ यूज़ करेंगे, टू के पहले। ये सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से आप देखते जाएं, यही सब पॉइंट एरर में आते हैं तो फिर समझ में नहीं आता है आपको। तो इन सब चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखते जाएं, हर एक एग्जांपल को मैंने अच्छे से बताया है कि देखिए यहाँ पर अगर हेल्पिंग वर्ब है डू नॉट, तो देखिए यहाँ पे नॉट इस तरह आया है, और अगर आप डू नॉट का यूज़ नहीं करना चाहते डोंट का, तो बिना डोंट के भी ये सेंटेंस बन सकता है, उस समय आप क्या करेंगे, नॉट को टू के पहले कर देंगे। आते हैं अपने फोर्थ एग्जाम्पल में, आई विल हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो उसको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, ये अपनी फ्यूचर की मजबूरी को बता रहा है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल फाइव पर, फाइव हमारा क्या है, आई हैड टू लीव फॉर दिल्ली यस्टरडे, कल उसको दिल्ली के लिए निकलना पड़ा था, तो पास्ट की मजबूरी बता रहा है। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम देयर, तो ये देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ भी इसका यूज़ कर सकते हैं, आई डिड नॉट हैव टू मीट हिम देयर, मुझे उसे नहीं मिलना था, तो ये किसका यूज़ बता रहा है, ये सेंस हमारा ले रहा है नीड नॉट हैव, और नीड नॉट हैव के अगर बेसिक मीन्स पे जाएं तो आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी वो काम किया, उसे उसे मिलने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन फिर भी वो उससे मिला, ये सेंस ये दे रहा है। तो ये आपके यूजेस मैंने आपको बताए हैं, हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा यूज्ड टू। तो यूज्ड टू भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिले होंगे ये, और अब आते हैं इनके किस तरह ये यूज़ होता है। तो यूज़ टू पे आते हैं,
यूज़ टू को हम यूज़ करते हैं हैबिचुअल एक्शन के लिए। जब हैबिचुअल एक्शन यानी कि जिस चीज़ की हमारी हैबिट पड़ गई हो उन कामों को व्यक्त करने के लिए हम यूज़ टू का यूज़ करते हैं, और या फिर पास्ट के जो हमारे रूटीन के रूटीन होते हैं, रूटीन वाले वर्क होते हैं उनको इससे व्यक्त करते हैं जो डेली हम पास्ट में किया करते थे। यानी पास्ट के जो डेली काम किया करते थे उन डेली कामों को हम किससे व्यक्त कर सकते हैं, यूज़ टू से व्यक्त कर सकते हैं। ये दो पॉइंट हैं और मैंने आपको ये क्या बताया है, और ये वुड के सेंस में यूज़ होते हैं। वुड के सेंस में देखिए बिल्कुल करीबी मामला है इसका वुड से। वुड का यूज़ के सेंस में करते हैं, बिल्कुल सेम अर्थ नहीं होता है, क्योंकि वुड का यूज़ हम करते हैं पास्ट की कल्पनाओं के लिए। यानी कोई जो इमेजिनरी हमारी चीज़ें होती हैं जो पास्ट के विषय में जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि मैं कॉलेज के दिनों में बस से स्कूल जाया करता था या कॉलेज जाया करता था। तो ये मैं अपने पास्ट के एक्शन भी हो सकते हैं मेरे, कि मैं अपनी हो सकता है मैं आज सोच रहा हूँ उन दिनों के बारे में जब मैं कॉलेज से जब बस से स्कूल जाया करता था। और दूसरा ये भी हो सकता है मैं अपने पास्ट की हैबिट को बता रहा हूँ। तो जब हैबिट का सेंस लेना हो तो हम यूज़ टू का यूज़ करेंगे, और कल्पना करना हो इन सब कामों की तो हम वुड का यूज़ करेंगे। तो देखिए सेंटेंस तो दोनों से सही हो जाएगा, अगर ऑप्शन में दे देंगे, अगर हम वुड लगा देंगे तो वो कल्पना बन जाएगी, यूज टू लगा देंगे तो हमारी वो हैबिट बन जाएगी। तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये दोनों एक साथ ऑप्शन में मिल जाएं, क्योंकि तो दोनों से ही सेंटेंस सही हो जाएगा। और जब दोनों से सेंटेंस सही बन जाएगा तो फिर दोनों सही हो जाएंगे, और कभी एग्जाम में ऐसा नहीं होता कि दो ऑप्शन एक साथ सही हो जाएं। तो ये मैंने आपको इसीलिए बताया यहाँ पे ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर तो और अच्छे से आपको समझ में आए। पहला एग्जाम्पल है ही यूज टू गो टू डेली बाई कार। वो कार से जाया करता था। ही यूज़ टू गो टू डेली, वो दिल्ली कार से जाया करता था। तो वो क्या बता रहा है, अपनी हैबिट बता रहा है कि वो कार से दिल्ली जाया करता था। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, ही यूज्ड नॉट टू गो टू डेली, वो दिल्ली नहीं जाया करता था। देखिए नॉट का यूज़ करेंगे तो कहाँ करेंगे, टू के पहले और यूज़ टू के बाद, ये देखने वाली चीज़ें हैं। हो सकता है कि नॉट को अधिकतर देखते हैं कि टू के बाद कर देते हैं गलत करने के लिए। तो देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड है ही डिड नॉट यूज़ टू गो टू डेली। देखिए उसी एग्जाम्पल को जैसे हम डिड लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ईडी हट जाएगा यहाँ पे और नॉट कहाँ आ जाएगा, डिड के पास। तो इसको इस तरह भी व्यक्त कर सकते हैं। आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे, दीना वुड स्टडी एट नून। तो वो कल्पना कर रही है, दीना कल्पना कर रहा है कि वो क्या करता था, वुड स्टडी एट नून, कि वो दोपहर में पढ़ता था। कल्पना कर रहा है, अपनी हैबिट नहीं बता रहा है, वो उन दिनों की क्या कर रहा है, कल्पना कर रहा है। तो देखो इससे सेंटेंस अगर हम यहाँ यूज़ टू लगा देते तब भी सही हो जाता, वो उसकी हैबिट बताने लगता। आते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर फाइव पर, सी वुड गो आउट विथ मी इन द मॉर्निंग। तो वो क्या करते थे, सुबह वह मेरे साथ बाहर जाया करती थी। ठीक है ना, वह सुबह मेरे साथ बाहर जाया करती थी, सी वुड गो, ठीक है, विध मी। तो यहाँ पे देख सकते हैं वो कल्पना कर रहा है। तो जहाँ जहाँ ये दो एग्जांपल में वुड लगे हैं तो वुड से कल्पना हो जाता है और यूज टू से हैबिट हो जाता है। ये आपके दोनों में डिफरेंस हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा टू डिनोट डिसकॉन्टिन्यूड एक्शन, यानी कि पास्ट की ऐसी आदत जो अब नहीं है, पास्ट में की ऐसी आदत जो अब नहीं है, पास्ट में थी लेकिन अब वो आदत नहीं है। तो अब आदत छूट गई है तो उस सेंस में भी हम किसका, पास्ट में थी लेकिन अब प्रेजेंट में छूट गई हैं, उस सेंस में भी हम किसका यूज़ करते हैं, यूज़ टू का। जैसे ही यूज़ टू प्ले हॉकी, यानी कि वो हॉकी खेलता था लेकिन अब वो आदत छूट गई है, नाउ ही हैज स्टॉप्ड, वो आदत अब ख़त्म हो गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में, सी यूज़ टू वर्क इन ऑफिस बिफोर मैरिज, शादी के पहले वो ऑफिस में काम करती थी लेकिन अब नहीं करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा पास्ट की ऐसी आदत जो अब नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, यूज़ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आते हैं आज का लास्ट पॉइंट है ये यूज़ टू का। अब देखिए यूज़ टू के साथ यूज़ टू और इज ऑल्सो यूज्ड एज अनदर एडजेक्टिव, यूज़ टू एडजेक्टिव का भी काम करता है। ऐसी सिचुएशन में इसके पहले किसका यूज़ करते हैं, इज का, यानी इज एम आर के साथ जब यूज टू आएगा तो वर्ब में क्या लगाएंगे, आई एन जी, आप ये याद रखिए। ठीक है, यूज टू यानी बी जो फॉर्म होता है, इज एम आर वाज वर्ब का होता है, ठीक है ना, और शैल बी विल बी, इन फॉर्मों के साथ जब भी ये आएगा तो वर्ब में क्या लगाएंगे हम लोग,
ing, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार देखिए आपको ये यूज टू सभी को आता है, इज यूज टू में बहुत कम लोगों को आता है, तो गलती होने के चांसेस बन जाते हैं। देखिए मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि आपका ध्यान और अच्छे से इस पे जाए। और यहाँ पे करना क्या रहेगा, इस तरह से ये, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, यहाँ पर आते हैं अपने एग्जांपल पर। तो पहला एग्जांपल देखते हैं पहले। तो यहाँ पे जब इज यूज टू आएगा, मैंने इसको हाईलाइट इसलिए कर दिया है, कई बार मैंने खुद भी क्वेश्चन में देखे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखा रहेगा, इज यूज टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, तो वहाँ पार्ट में गलती हो जाएगी या फिर इसको फिल इन द ब्लैंक में दे देंगे तो आई एन जी वाली फॉर्म ही यहाँ पर सही होगी। तो यानी यूज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बी यूज टू यानी इज एम आर वाज वर या सेल वी विल भी आ जाए, उनके बाद यूज टू आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे आईएनजी, या फिर इधर आईएनजी लगा हो और इधर जिधर मैंने ग्रीन स्केच खींचा है इधर फिल इन द ब्लैंक आ जाए तो आपका बी यूज टू वाला ऑप्शन आपको भरना होगा। अभी मैं एक्सरसाइज भी इसकी कराऊंगा, जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज में इस तरह के सेंटेंस देखने को मिलेंगे, देखिएगा आप। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल को। तो ये किस तरीके यूज़ होता है, बी यूज टू आपका यूज़ होता है, ये प्रेजेंट की आदत को एक्सप्रेस करता है या फिर पास्ट की आदत को, यानी कि ये काम कर लेता है अकस्टम्ड टू, अकस्टम्ड का मतलब होता है अभ्यस्त होना, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने जो लिख दिया है प्रेजेंट आप ना मान लें, ये मतलब कि कोई काम को प्रेजेंट पास्ट यूज टू लग जाएगा तो किसी में भी यूज़ हो सकता है, तीनों में भी यूज़ हो सकता है, प्रेजेंट में भी यूज़ हो सकता है और पास्ट में भी और ये फ्यूचर में भी, इस तरह। और किसका सेंस देगा, अकस्टम्ड, देखिए बहुत अच्छा मैंने बताया, अकस्टम्ड मीन्स क्या होता है, अभ्यस्त होना। एग्जांपल में आ जाते हैं, ही इज यूज्ड टू गेटिंग अप अर्ली, तो वो क्या है, सुबह जल्दी उठने के लिए अभ्यस्त है, यानी अभी भी है, जबकि पास्ट में जब यूज टू आया था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो वो पास्ट की आदत थी, प्रेजेंट में छूट गई थी, लेकिन ये आदत क्या है, अभी भी उसकी बनी हुई है, उसने छोड़ी नहीं है। ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग, उसकी सुबह जल्दी उठने की आदत है, वो अभ्यस्त है सुबह उठने का, अभी भी है। आई वॉज यूज टू ड्राइविंग थ्रू द क्राउड स्ट्रीट्स, यानी वो भीड़ भाड़ वाली गलियों से भी होकर के ड्राइविंग कर लेता था, अभ्यस्त था। आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल में, ही विल बी यूज टू टेकिंग डिनर अर्ली, और क्या था, वो अभ्यस्त हो जाएगा, ठीक है, टेकिंग डिनर अर्ली, जल्दी डिनर करने का अभ्यस्त हो जाएगा। और नेक्स्ट आते हैं, ये लास्ट एग्जाम्पल है, वी आर यूज्ड टू, अब आप कहेंगे इसमें आई एन जी क्यों नहीं लगा, तो देखिए जब वर्ब आता है तब आई एन जी लगती है ना, हॉट हमारी क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वी आर यूज टू हॉट नूनस इन द प्लेन्स, तो वी आर यूज टू वो क्या हो चुके हैं, अभ्यस्त हो चुके हैं, ठीक है, हॉट मीन्स गर्मी का, नूनस मीन्स दोपहर के, इन द प्लेन्स माने प्लेन्स में। तो इस तरह गाइज मैंने आपको आज की वीडियो में हैव टू और यूज टू के सारे पॉइंट क्लियर करे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि आप इनकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। थैंक यू गाइज़।